अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। ओम शांति। पहले तो शिव बाबा के लिए, जिन्होंने पिछले 8 दशक से हमें ऐसी चैतन्यता पूर्ण जीवन, लोगों में जागरूकता फैलाने का एक विश्व प्रसिद्ध माध्यम दिया, राजयोग। ऐसे गुरु के लिए 2 लाइन। साधु ऐसा ही गुरु भावे, साधु ऐसा ही गुरु भावे, जो राग रंग को भरी भरी प्याला, राग रंग को भरी भरी प्याला पीवे और पिलावे साधो, ऐसा ही गुरु भावे। मैं डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, मैं एक IBPS ऑफिसर, दूरदर्शन एशिया के लार्जेस्ट नेटवर्क में मैंने अपनी संस्कृति को सर्व किया है ईश्वर की कृपा से। एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों का निर्माण करने का मुझे अवसर मिला, अपनी संस्कृति को जपने का अवसर मिला। संगीत और नृत्य का अखिल भारतीय कार्यक्रम, हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम रंगोली, जिसे हमारे दर्शकों ने बहुत बहुत सराहा, अपना प्यार दिया, देश ही नहीं विदेश से भी। मैं आभारी हूँ गीतांजलि जी और दयाल भाई की कि आज मैं यहाँ ज्ञान के प्रकाश का जो सरोवर है, जो जगह है, वहाँ मैं आई हूँ। और मैं आभारी हूँ दयाल भाई और गीतांजलि जी की कि जिनके चलते मैं इस ज्ञान का जहाँ से प्रकाश प्रस्फुटित हुआ, चैतन्यता का जो पुंज है, वहाँ मैं बैठी हूँ माउंट आबू में और आपसे बातें कर रही हूँ। हम सबको पता है कि आज हम जिस कालखंड में जी रहे हैं वो है एक का अंत और दूसरे युग का आरंभ। इस युग में हम जी रहे हैं, इसमें बहुत ज़रूरी है राजयोग से जुड़ना, क्योंकि वही एक ऐसा माध्यम है जो हमें बताता है कि हम कौन हैं, हम इस धरती पर क्यों हैं, हमारा प्रयोजन क्या है, कैसे हम उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ें जिसके हम बच्चे हैं और उससे हम अपनी बातें कहें, लोगों की इधर उधर की बातों में ना पड़े। अपने मन में जो इतने सारे हमने विकार रखे हैं, कैसे उन्हें दूर करें, एक संकल्प की साधना करें जो हमें सिद्धि तक ले जाएगा और हमारा जीवन बनेगा प्रकाशोन्मुख, अप्रतिम, अद्वितीय, जिसके लिए हमें ये मानव देह मिला है, उस तक पहुंचने का एक बड़ा ही सरल सीधा माध्यम। आज यहाँ पर मुझे जो सुनने को मिला, देखने को मिला, वो अपने आप में बहुत ही अद्वितीय है, क्योंकि प्रकृति और प्रवृत्ति जो है वो अलग अलग है सबकी। तो कैसे हम जुड़ें, कैसे हम और प्योरीफाई हों, ग्लोरीफाई हों, ये सिखाता है हमें राजयोग। तो मैं चाहूंगी कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कृपया इस राजयोग से जरूर जरूर जुड़ें, क्योंकि आपके आसपास है ये। आप एक बार कोशिश करें, आप जरूर वहां जाएंगे, आपको वहां दीदी भाई मिलेंगे जो आपके इस मार्ग को सहज सरल बना देंगे। ओम शांति।